बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फियान साहिब। दोस्तों आज हम चिकन के साथ बहुत ही डिफरेंट तरीके से रेसिपी बनाने वाले हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो दोस्तों यह आधा किलो चिकन जाएगा बॉल के अंदर, 1.5 टेबल स्पून जाएगा लहसुन का पेस्ट, और यह हमारे पास दही है ये जाएगी 5 टेबल स्पून, और फिर इसमें ऐड करेंगे हम 2 सब्ज़ मिर्ची, इसको आपने कूट कर ऐड करना है, और 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, 1 टेबल स्पून जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून जाएगा हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें जीरा पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा इसमें गरम मसाला, और 1 टीस्पून ऐड कर देंगे इसमें आमचूर का पाउडर। आप इसकी जगह कचरी पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसका फायदा ये है, हमें इसको मैरिनेट करके ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, फौरी इंस्टेंट इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास ये 2-3 चीज़ें नहीं है तो आप इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें, और 1 लेमन इसके ऊपर निचोड़ देंगे, और फिर इसको हमने हाथों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। तो आपको दिखाते हैं इस तरह से करेंगे, तो ये देखिए बहुत ही शानदार जब बनेगा, जब इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, मैरिनेट किया हुआ गोश्त बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट भी होता है। तो ये तैयार है, अब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम ऐड कर देंगे कढ़ाई के अंदर, और कढ़ाई के अंदर ज़रा भी हमने ऑयल ऐड नहीं किया, इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे, और इसको थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर देंगे, और इसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है 12 से 15 मिनट के लिए। इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर 12 मिनट गुजर चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है, लेकिन अभी इसके अंदर पानी है जो हमने ऐड किया था, और दही का भी पानी है जो रह गया है, इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे, और इस पानी को हमने ड्राई कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से पानी ड्राई हो चुका है, गोश्त रेडी है। तो अब हमने क्या करना है, इसको निकाल लेते हैं बाहर। बेसिकली ये अपनी जगह बहुत ही शानदार रेसिपी है, लेकिन हमने आगे बढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक बॉल है जिसमें जाएगा 1 कप मैदा, 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें लहसुन पाउडर, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, और 1 टीस्पून ऐड कर देंगे चिकन का पाउडर जो इसके टेस्ट को फ्लेवर को बढ़ा देगा। अब हमने इसकी मिक्सिंग कर देनी है, और इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना, इसको ड्राई ही हम यूज़ करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक छोटा बॉल है और इसमें 2 अंडे ऐड कर देंगे, अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, और अब हमारे पास जो गोश्त था, तो ये देखिए अब हमने क्या करना है, इस गोश्त को पकड़ना है और इस अंडे के अंदर डिप कर देना है, और इसके ऊपर अच्छे तरीके से इस अंडे को लगा देना है, और इसके बाद इसको ऐड कर देंगे मैदे के मिक्सचर में, और इस पर अच्छे तरीके से कोटिंग कर देनी है इसकी। तो ये देखिए इस तरह थोड़ा सा इसको झाड़ लेंगे, तो ये देखिए इस तरह इसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी। तो इसी तरह हम दूसरे पीसेस की भी कर लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ कढ़ाई में कर लिया है हमने ऑयल को गरम, और इसके अंदर ऐड कर देंगे इन चिकन के पीसेस को, और इनको हमने फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं, इसके ऊपर जो कोटिंग है वो बिल्कुल भी उतरने वाली नहीं है, और मैरिनेशन करके जैसे हमने इसको पकाया इस तरह से अंदर से बहुत ही जूसी होता है, ये बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है कि भाई जब चिकन को फ्राई करते हैं तो अंदर से हार्ड होता है, बाहर से तो पका होता है लेकिन अंदर से बहुत हार्ड होता है, खाने का मज़ा नहीं आता। तो आप इस तरह से बनाइएगा, इंशाल्लाह बाहर से क्रिस्पी होगा अंदर से जूसी होगा। तो यहाँ हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया, अब ये तैयार है, इसको करते हैं डिश आउट, और ये जो दूसरे पीस को भी कर लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो दीजिए फियाज़ अंसारी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।